हेलो सिविल इंजीनियर्स, आप सबका स्वागत है लर्निंग गोल द सिविल इंजीनियरिंग स्टडी पर। आज का टॉपिक कॉलम स्टार्टर है। आज हम आपको बताएंगे कॉलम स्टार्टर की डेफिनेशन, ये दिखता कैसा है, मीन्स इसका डायग्राम, इसका पिक्चर, बेनिफिट्स क्या हैं इसके, और इसके चेकलिस्ट के बारे में बताऊंगा। तो पहले मैं आपको इसके डेफिनेशन बता देता हूं कि कॉलम स्टार्टर है क्या। एक्चुअली कॉलम स्टार्टर इज़ ए स्मॉल पार्ट ऑफ द कॉलम ऑफ कंक्रीट मटेरियल विद द सेम लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द कॉलम विच गिव गाइडलाइन फॉर द कॉलम एक्सटेंड फॉर परफेक्ट लेआउट। कह ये रहा है कि ये स्मॉल पार्ट है कॉलम का, आरसीसी एलिमेंट है, स्मॉल पार्ट है कॉलम का जो आरसीसी एलिमेंट है। मैं आपको पिक्चर से क्लियर कर रहा हूँ, ये जो पिक्चर दिख रहा है ना आपको, ये जो दिख रहा है ना, ये जो आरसीसी स्ट्रक्चर दिख रहा है ना कॉलम का लोअर मोस्ट पार्ट, ये है आपका कॉलम स्टार्टर। ये क्या करता है कि परफेक्ट लेआउट देता है। परफेक्ट लेआउट, जब कॉलम को हम एक्सटेंड करते हैं ना, ऊपर बढ़ाते हैं, तो बढ़ाने से पहले यानी कि जब हम प्लिंथ बीम के ऊपर रहते हैं तो वहाँ पे हमको स्टार्टर देना है बिल्कुल एकदम ज़रूरी होता है, जिससे कि जितने भी कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम आ रहे हैं ना, उसका परफेक्ट लेआउट हो, उसका अलाइनमेंट अच्छे से हो। अलाइनमेंट मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ कॉलम है ना, ये सब एक सीध में है, तो अगर हम कॉलम स्टार्टर के साथ चल रहे हैं ना, तो इसका क्या होगा कि परफेक्ट, मतलब जो इसका अलाइनमेंट अच्छे से मिलेगा, अलाइनमेंट अच्छे से मिलेगा। एक पिक्चर आप और देख लो, ये भी आपका कॉलम स्टार्टर है, ये आपका क्या है, कॉलम स्टार्टर है। अब दूसरी चीज़, ये क्या होता है कॉलम स्टार्टर, क्या होता है जब भी हम बनाते हैं ना, तो जो इसकी थिकनेस रखते हैं ना कॉलम स्टार्टर की, ये हो गई इसकी थिकनेस कॉलम स्टार्टर की, ये आपका कॉलम है, ये कॉलम स्टार्टर की थिकनेस है। ये इसकी थिकनेस हमेशा 50 से 100 mm की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बीच में इसको रखते हैं, लोअर मतलब मिनिमम 50 और मैक्सिमम 100 यानी कि 100। अब आपने डेफिनेशन जान लिया, इसके पिक्चर्स देख लिया, अब इसके बेनिफिट्स मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसके बेनिफिट्स क्या हैं कि इट इज़ ईजियर टू इस्टेब्लिश और वेरीफाई द सेंटर लाइन ऑफ द स्टार्टर देन ऑफ दैट ऑफ द कॉलम। जिस कॉलम का हम करते हैं, जिस कॉलम का हम लेते हैं ना, उसका सेंटर लाइन डिफाइन हो जाता है, आगे वाला भी हमका, इसका मतलब सेंटर लाइन एकदम एग्जैक्ट मिलता है हमको। और क्या होता है इसका जो सेकंड पॉइंट, सेकंड क्या है बेनिफिट इसके, क्या है सेकंड जो इसके बेनिफिट हैं वो क्या है कि जो फॉर्म वर्क हम करते हैं, अगर हम स्टार्टर बनाने के बाद अगर फॉर्म वर्क करते हैं तो फॉर्म वर्क को सपोर्ट करता है। फॉर्म वर्क को क्या सपोर्ट करता है, कॉलम स्टार्टर सपोर्ट करता है। कैसे करता है आप ही देख लो, ये पिक्चर में देखो, अगर आप इसको बना दिया, स्टार्टर को बना दिया, जब फॉर्म वर्क रखोगे तो उसको सपोर्ट करेगा ना, ये बिल्कुल सपोर्ट करेगा, एकदम सीधा खड़ा होगा ये। जो नेक्स्ट पॉइंट है इसके, सॉरी, जो नेक्स्ट पॉइंट है एग्जैक्ट लेआउट ऑफ कॉलम, एग्जैक्ट लेआउट ऑफ कॉलम होगा। और क्या होगा इससे हम क्या करेंगे नेक्स्ट, उसके बाद क्या होगा कि जो कॉलम की जो डायमेंशन होगी ना, वो एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्ट करेक्ट मिलेगा हमको। कैसे मिलेगा, अगर हम स्टार्टर बना रहे हैं तो सपोज 300x300 का है, तो स्टार्टर में ही हम 300x300 का कर लेंगे कॉलम, फिर इसको ऊपर उठाएंगे तो एग्जैक्ट ही हमारा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और स्टार्टर को लगाने से एक चीज़ और होगा जो नेक्स्ट पॉइंट है कि द चांस ऑफ कॉलम फॉर्म वर्क बिकमिंग स्क्यू आर एलिमिनेटेड। मतलब जब कॉलम का फॉर्म वर्क होगा ना, तो अपनी जगह से वो हिलेगा नहीं इधर उधर, अपनी जगह पे खड़ा रहेगा और करेक्ट अलाइनमेंट मिलेगा, जैसे कि हमने पहले ही बता दिया कि सारे एक सीध लाइन में मिलेंगे। और जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है कि चेकलिस्ट क्या होता है। जब भी हम कोई काम करते हैं ना, तो उसका एक चेकलिस्ट होता है, काम करने से पहले उसको चेक करते हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए, तब चीज़ें हमारी करेक्ट हैं। सिविल इंजीनियरिंग में चाहे हम कंक्रीट कास्टिंग कर रहे हैं, पोर कर रहे हैं, या फिर
आरसीसी के मतलब ये स्टील कटिंग कर रहे हैं, तो उसमें हर चीज़ का एक चेकलिस्ट होता है। तो वैसे ही कॉलम स्टार्टर का भी एक चेकलिस्ट है। इसमें क्या है, चेकलिस्ट देख लो बनाते कैसे हैं। प्रोजेक्ट का नाम लिख दिया, ये लोकेशन हो गए, कॉलम नंबर हो गया, रेफरेंस नंबर हो गया, डेट क्या हो गया, ड्राइंग क्या हो गया। ये मेरे साइट का ऑफिस बन रहा है DWMN का दिल्ली में द्वारका सेक्टर 24 में। फिर हम डिस्क्रिप्शन में दिखा दे रहे हैं आपको कि इसमें क्या क्या चेकलिस्ट में होना चाहिए, सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, रिमार्क। अब इसमें देख लो, पहले हम स्टार्टर बनाने से पहले क्या करेंगे कि जहाँ पर स्टार्टर बना रहे हैं, ये है ना आपका, सपोज ये कॉलम का जगह है आपका, तो ये जगह पे जितने भी लूज मटेरियल्स होंगे ना उसको क्लीन कर लेंगे। पहला ये है हमारा चेकलिस्ट में, ये पूरा होना चाहिए कि उसको क्लीन करके ही काम करना है। और दूसरा क्या करना है, स्टार्ट ऑफ होमवर्क फॉर्मों की चेक फॉर राइट एंगल एंड डायगोनल्स। मतलब ये हो गया कि हमारा ये जो हमारा कॉलम है, ये सब चेक कर लेना चाहिए कि राइट एंगल पे है कि नहीं, इसका फॉर्मवर्क राइट एंगल पे है कि नहीं, इसका डायगोनल सही है कि नहीं है। डायगोनल सही, दोनों डायगोनल को चेक कर लो अपना मेजरिंग टेप लेके, दोनों सही होने चाहिए तब तो राइट एंगल पे, अन्यथा नहीं। तो सारी चीज़ें चेक करनी होती हैं। और फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या देखेंगे कि इसकी डेप्थ चेक करेंगे, जो 50 से 100 mm के बीच में जो डेप्थ है वो है कि नहीं है, उसको भी चेक करना है आपको। और क्या करेंगे, ये नंबर ऑफ स्टीरफ एट द लेवल ऑफ फिलिंग, मतलब नंबर ऑफ स्टीरफ एट द लेवल ऑफ फिलिंग, कि ये जो लेवल है ना फिलिंग की, जो 50 से 100 mm के बीच में है, यहाँ पे मतलब ये फिलअप अच्छे से, मतलब वहाँ पे जो फिलअप कर रहे हैं ये, यहाँ पे कोई स्टीरफ्स नहीं होना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है ना कि कॉलम के केस में अगर हम जो रिंग देते हैं उसको टाइज बोलते हैं, और बीम के केस में स्टीरफ बोलते हैं, लेकिन ये मिस्टेक हो गया कि मैंने यहाँ पे स्टीरफ लिख रखा है, बनाया मैंने खुद ही है इस PPT को, लेकिन वहाँ टाइज होना चाहिए। बाद में मैं बता दूँगा टाइज और स्टीरफ्स में क्या बेसिक डिफरेंस हैं। यहाँ पर मतलब कोई भी टाइज नहीं होनी चाहिए हमारी। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि कोई भी गैप नहीं होनी चाहिए उसमें, सारे गैप भरे हुए होने चाहिए। बीच में तो हम छोड़ते ही थोड़ा सा, एक सीयर की तो छोड़ते ही हैं, सीयर की बाद में बात करेंगे, तो सीयर की छोड़ देंगे। जैसे कि ये हमने स्टार्टर भरा तो सब एकदम 50 से 100 mm के बीच में तो हम भरेंगे ही उसको, लेकिन बीच में हल्की सी जगह खाली कर देंगे कि नेक्स्ट बार जब हम कॉलम को जोड़े ना उसके ऊपर, ऐसे बीच में जब जोड़े ना बीच में, तो थोड़ा सा गैप होना चाहिए कि बाउंडिंग अच्छे से हो, उसको हम सीयर की बोलते हैं, डिस्कशन बाद में करेंगे इस पर। हाँ, और एक चीज़ और है, जो भी मटेरियल यूज करेंगे हम इसमें, वो मशीन मिक्स्ड होना चाहिए एकदम। मतलब जो प्रोपोर्शन दिया है ना, अगर M20 का दिया है, सपोज M25 दिया है, तो M25 का रेशियो क्या होता है, होता है ना एक एक दो होता है, एक एक दो होता है ना, तो एक एक दो का रेशियो मशीन मिक्स होना चाहिए, तब हम वहाँ पे फिल बनाएंगे अपना स्टार्टर। नहीं तो पता चला कि मैंने साइटों पे देखा है कि किस मोटार का बना देते, भाई मोटार का जब बनाओगे तो वहाँ पे क्रेक आ जाएंगे ना, मजबूत थोड़ी ना होगा, हमारा कॉलम का बेस है वो। तो हमारा जो डिजाइन मटेरियल है, जो भी मतलब आर्किटेक्ट ने डिसाइड करके रखा, हमको वही लेना है। अगर M25 दिया तो M25, M20 दिया तो M20, वैसे M25 से कम नहीं लेते हैं कॉलम में। और ये सब हैं इसके चेकलिस्ट, तो आप इसको देखो। और हाँ, जब ये चेकलिस्ट हो जाता है ना, तो कॉन्ट्रैक्टर का जो इंजीनियर होता है वो भी इस पे सिग्नेचर करता है, जो क्लाइंट का इंजीनियर होता है वो भी इस पे सिग्नेचर करता है। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कॉलम स्टार्टर क्या है। और थैंक यू वेरी मच, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बस। थैंक यू वेरी मच, मेरा नाम ये अजहर सिद्दीकी है।